बिहटा जा रहा हूँ। बिहटा में शहीद सुनील कुमार के बच्चों को मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने जा रहा हूँ। मेरा एक प्रार्थना है देश के सभी लोगों से कि शहीदों के परिवारों के लिए, हम जानते हैं हम एक व्यक्ति सबका नहीं ख्याल रख सकते, लेकिन एक व्यक्ति अगर सक्षम है तो एक परिवार का ख्याल रख सकता है। आज वो भी एक छोटा सा काम हम करने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही और भी लोग आगे आएंगे जो बिहार के हैं, जिनको ईश्वर ने, मालिक ने सफल बनाया है। हम किसी न किसी शहीद के परिवार के साथ खड़े होंगे और भारत के साथ साथ बिहार की प्रगति में नीतीश कुमार जी के साथ कदम मिला के चल। सर, चाइना के छल प्रहार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाइना जिस प्रकार से उसने विगत कुछ वर्षों में जैसा व्यवहार दिखाया है, तो उसको जवाब देने के लिए भारत की सेना तैयार है। मैं आप सबको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूँ, जैसा कि अभी हमारे बिहार रेजिमेंट के, गौरवशाली बिहार रेजिमेंट के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, 10-10 को एक ने मारा है। ऐसे में हम सब पूरी तरह से, भारत की सेना चीन को जवाब देने के लिए सक्षम है, दुनिया के किसी भी देश को जवाब देने के लिए सक्षम है। दुनिया का बहुत बड़ा एक टीम भारत के साथ है। हम बिहार के सभी लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी भारत सरकार ना तो कभी झुकी है ना कभी झुकेगी। जो भी हमारे यहाँ हमला करने की कोशिश करेगा वो मुंह की खाएगा। सर, मुंहतोड़ जवाब देने के साथ साथ जो है आर्थिक कमजोर करना भी लोगों का ये कहना है, कैसे जागरूक करेंगे लोगों को? नहीं, अभी तो भारत के लोग, हम बिहार के लोग, हम सब खड़े हो जाते हैं। हम हमारे ही अर्थ पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे चीन की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। हम सीमा पे भी उनका हिम्मत तोड़ेंगे और बाजार में भी उनकी हिम्मत तोड़ेंगे।